हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं सरकत। आप सभी को बसाना बर्थडे बेरी में एक नया वीडियो मैं करता हूं, बहुत बहुत स्वागत। फ्रेंड्स, अभी हम लोग का एवेरी में एक नया बर्ड आ चुका है, ठीक है, और वो है अमेजोन पैरट, ऑरेंज विंग अमेजोन, जो कि कुछ दिन से मेरे फार्म में आ चुका है कुछ दिन पहले। और अभी एक छोटा केज में मैंने उनको रखा था, क्योंकि जब भी आपका पास बाहर से कभी बर्ड्स आप लेके आए, कहीं से भी आप बर्ड्स लेके आए, तो पहले लाके उनको एक बड़ा सेटअप पे नहीं छोड़ना है। पहले उनको केयरिंग करना है, उनका पॉटी चेक करना है, उनका हेल्थ चेक करना है, और दोनों अच्छा से खा रहा है या नहीं, फीडिंग ले रहा है, सारा चीज़ सॉफ्ट फूड या क्या खा रहा, ये सब देखने के लिए पहले एक छोटा केज में आपको रख के उनको वॉच करना होगा। उसके बाद आप जब आप पूरा पूरी क्योर हो जाएंगे, हाँ दोनों ही बहुत अच्छा है, दोनों बहुत हेल्दी है और दोनों अच्छे से फीडिंग भी ले रहे, तब आप उनको एक बड़े से केज में या फिर जहाँ पर आप ब्रीडिंग सेटअप जहाँ पर भी आप रिलीज करेंगे वहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन पहले लाके एक छोटा सा ऐसे केयरिंग केज में, ट्रेवल केज जो भी आप लोग बोलते हैं, तो उसमें लाके हम लोग को पहले वॉच करना है। इसलिए पहले मोटा मोटी पिछले देखिए, अभी मेटिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा ये हो रहा है, मेल और फीमेल, ये है मेल, ठीक है, कंटिन्यूसली मेटिंग करने के लिए फीमेल के ऊपर कैच चढ़ा रहा है, ठीक है। और अभी ये दोनों पूरा का पूरा एडल्ट भी हो चुका है, क्योंकि देखिए आँख का साइड में आप लोग देख सकते हैं पूरा रिंग आ चुका है, ठीक है, पूरा एक रेड सा रिंग आ गया है। और मेल तो सेमी टेम है, मतलब हाथ से खाना उना ले लेता है, मतलब पपीता वपीता मैं देता हूँ, पका हुआ पपीता इन लोग का बहुत फेवरेट है, अमरूद, पका हुआ पपीता, कुछ कुछ वेजिटेबल भी बहुत अच्छे से खाते हैं, बीटरूट वगैरह, और भुट्टा तो बहुत ही अच्छे से खाते हैं। तो ये सब कुछ मैं देता हूँ हाथ से, तो मेल ले लेता है, लेकिन फीमेल उतना सेम नहीं है। लेकिन मेल का साथ फीमेल का बॉन्डिंग बहुत ही अच्छा है, दोनों एक साथ रहता है, और मेल उठा के खाना खाता है तो फीमेल भी खाता है, ठीक है, ठीक है। और वेजिटेबल में कुछ कुछ वेजिटेबल भी बहुत अच्छे से खाते हैं, बीटरूट वगैरह। और अमेजोन पैरट का तो मेरा बहुत शुरू से ही शौक था कि मेरा एवेरी में एक अमेजोन पैरट का भी पेयर रहेगा, तो इसीलिए अभी तो मैं इनको एवेरी में रिलीज़ नहीं करूँगा, क्योंकि ये लोग ब्रीडिंग के लिए पूरा रेडी हो चुके हैं, पूरा का पूरा एडल्ट है, तो इसीलिए हम लोग सीधा इनको जो है ब्रीडिंग सेटअप पे रिलीज़ करेंगे। और फ्रेंड्स, अमेजोन पैरट के बारे में मैं कुछ आप लोगों को बताना चाहता हूँ। अमेजोन पैरट जो है मोस्ट टॉकेटिव बर्ड में आता है, ठीक है। ऑरेंज विंग उतना अच्छा टॉकेटिव नहीं करता, लेकिन जो ब्लू थ्रोटेड अमेजोन है वो बहुत अच्छा टॉकिंग करता है, लेकिन सारा का सारा अमेजोन पैरट ही बहुत अच्छा टॉकिंग करता है। और फ्रेंड्स, और एक बात, अगर इसको अच्छा से रखते हैं तो ये नहीं भी, तो जितना मुझे पता है, बुक पढ़ के जितना मैंने इनके बारे में जाना है, कि लगभग 70-80 ईयर्स ये इजीली जी सकते हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा टाइम है, बहुत लॉन्ग टाइम है। अमेजोन पैरट्स को जो है थोड़ा सा अच्छा फूड देना पड़ता है, मतलब वेजिटेबल, फ्रेश फ्रूट वेजिटेबल आप जितना भी दें, उसके साथ आपको जो सीड मिक्स प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा पैलेट्स भी ऐड करने पड़ते हैं। और पैलेट्स क्या है अगर आप लोग को नहीं पता, तो मैं कुछ दिन बाद मेरे बासना स्टोर में एक वीडियो अपलोड करूंगा, मेरे पास स्टोर में पैलेट्स इजीली अवेलेबल है, जो अपने सारे बर्ड्स को आप लोग देख सकते हैं, स्पेशली अमेजोन पैरट को तो देना ही चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, और देरी नहीं करेंगे, इनको जाके पहले इनका ब्रीडिंग सेटअप में रिलीज करेंगे। तो गाइस, जैसे कि हम लोग अभी लेके जा रहे हैं इसको ब्रीडिंग सेटअप में रिलीज़ करने के लिए, और पहले देख सकते हैं यहाँ पे मेरा मिनी का घर है, मेरा जो ब्लू गोल्ड मकाऊ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे कुछ सन लोग का भी पेयर यहाँ पे रखा हुआ है, और उसके बाद वो कॉकटेल का कॉलोनी है, और उसके बाद जाभा का कॉलोनी है, और अंदर में जो ये वाला प्लेस है, ये वाला जो एरिया है, इसमें हम लोग बड़ा पैरट को जो रखते हैं, मतलब एवेरी का बीच में हम लोग बड़ा पैरट को रखते हैं, क्योंकि बड़ा पैरट को प्राइवेसी थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए, इसीलिए थोड़ा सा अंदर सेपरेट में बड़ा पैरट का, जैसे इक्लेक्टस हो गया वो मेरा अंदर ही है, और इसको भी अमेजोन को भी जाके अंदर ही रिलीज़ करेंगे हम लोग। तो चलिए फ्रेंड्स, अंदर पहले चलते इसको लेके। इक्लेक्टस का पेयर इस रूम में, ठीक है, बिल्कुल इसका बगल में हम लोग अमेजोन पैरट को रिलीज करेंगे। चलिए केज को पहले अंदर लेके जाते हैं। और यहाँ पे हम लोग आ गए, ठीक है, यही है हम लोग का अमेजोन का ब्रीडिंग सेटअप, ठीक है। अभी तो बॉक्स नहीं देंगे, कुछ दिन बाद अभी बॉक्स प्रोवाइड करेंगे, अभी सिर्फ इन लोगों को ऐसे छोड़ के रखेंगे। और देखिए यहाँ पे कितना एक्लेक्टस भी आ गया इन लोगों को देखने के लिए, कि इसका नया पड़ोसी कैसा है, नहीं है, एक्लेक्टस भी देखने के लिए आ गया है, ठीक है। इतना दिन से तो अकेले ही था इस जगह में, और अभी इसका एक नेबर भी आ चुका है। चलिए इन लोगों को पहले रिलीज़ करते हैं यहाँ पे। जाए यहाँ पे एक तो बाहर आ गया है, मेल बाहर आ चुका है, फीमेल का भी बारी है,
और मेल फिर से फीमेल को लेने के लिए देखिए मेल आ गया तुरंत, मतलब कुछ दिन इस छोटा केज में रह गया इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है इनको बाहर निकालने के लिए, लेकिन फिर भी ठीक है निकल जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। जाओ 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 मेल फीमेल दोनों ही अच्छे से बाहर निकल गया बहुत कसरत के बाद। ठीक है चलिए इसको केज को पहले बाहर निकाल देते हैं। और एक लेक्टर से उन लोगों को झुक के देख रहा है कि कौन आ गया है यहाँ पे उन लोगों को तंग करने के लिए, इतना दिन से तो राजा महाराजा का तरह यहाँ पे था। ठीक है देखिए पहले कैसे करके उन लोगों को देख रहा है एकदम दोनों मिलके, क्योंकि एक लेक्टर से प्लेयर जो है एक बार एक ले कर चुके हैं इसीलिए वो थोड़ा सा और एग्रेसिव हो रहा है। ठीक है पसंद नहीं कर रहा लेकिन फिर थोड़ा सा एक दो दिन में ये लोग जो है एडजस्ट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो गाइस आज जैसे एक नया बर्ड मेरे एवेरी में आया तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब खुशी हुआ, जब भी मेरे एवेरी में कोई नया बर्ड आता है तो मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है, आप लोग की तरह मुझे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है, और ये वीडियो देख के आप लोग भी बहुत अच्छा लगता है, आप लोग इतना प्यारा प्यारा कॉमेंट जो करते हैं। और फ्रेंड क्या कहे, जब भी मेरे सेटअप में कोई नया बर्ड का चिक्स जब हैच होता है तब वो खुशी मतलब मैं बोल के वीडियो में जाहिर नहीं कर सकता, जो बर्ड लवर हैं आप लोग जो देख रहे हैं आप लोग ही खुशी महसूस कर सकते हैं, दूसरा कोई तो नहीं कर पाएगा। तो चलिए आज का वीडियो आशा करते हैं आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को नीचे एक लाइक कर दीजिएगा, नीचे एक छोटा सा प्यारा सा अपना कॉमेंट भी डाल दीजिएगा, और जो सारे मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरा अगला वीडियो का नोटिफिकेशन सीधा डायरेक्ट आपके मोबाइल में या कंप्यूटर में पहुंच जाए। चलिए फ्रेंड्स आज के वीडियो तक, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।